नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड गेम क्लासेस में। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्विक क्वेश्चन अप्रोच QQA। इसका हम आज पार्ट वन पढ़ेंगे। तो पार्ट वन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छा इस सीरीज के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी आपकी जो है वीकली क्लास हुआ करेगी एक या दो, जिसमें हम जो है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो जो है एक एक करके डिस्कस करा करेंगे। और इसमें हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारे जो है मतलब जैसे आपको नाम से पता चले क्विक, मतलब हम थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो एक एक करके सोल्व करा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने इसकी आपको बता दी हैं। आज का टॉपिक जैसा आपके सामने लिखा हुआ है क्या है कि वन टू डाई ऑल, क्या पढ़ने वाले हैं, वन टू डाई ऑल के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो वन टू डायोल की अगर मैं बात करूं तो डायोल आप सभी जानते हो क्या होता है डायोल, कि कहीं भी अगर हमारा डबल बॉन्ड है या कुछ भी जो है अगर हमारा किसी वजह से इस तरह का कुछ कंपाउंड है और इसमें क्या हो कि एडजेसेंट पोजीशन पर ही OH लग जाए, मतलब ऑल से आप क्या समझ रहे हो OH, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ OH के साथ जो है हुआ है। और वन टू का क्या मतलब, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर हमारा जो है OH लग जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम वन टू डाया ऑल। तो ये क्वेश्चन हम, ये टॉपिक है हमारा। अच्छा दूसरी बात आई कि हम यही टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि ये बहुत इजी है, दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हो, तो हम शुरू कर सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि डायाओल की, तो डायाओल में आप क्या देखते हो कि दो तरह के डायोल हो सकते हैं, कौन कौन से, कि अगर हम फिर वही एग्जांपल से ले में, इस तरह के कुछ एग्जांपल अगर हम ले में, तो इसमें क्या होगा, एक तो डायाओल हमारा क्या बन जाए कुछ इस तरह का कि दोनों जो है OH एक तरफ आ जाए, या तो ऐसा बन सकता है भाई, या दूसरा कैसा बन सकता है, दूसरा बन सकता है हमारा कुछ इस तरह का कि ये दोनों एक ही प्लेन में हो। अगर एक ही प्लेन में होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिस डायाओल, क्या बोलेंगे, सिस डायाओल। इतनी बात समझ में भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या हो सकता है हमारा कि कुछ इस तरह से होता हो सकता है कि दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हों। अपोजिट किस तरह से हो सकते हैं, एक अबोव दी प्लेन, दूसरा क्या हो, ब्लो दी प्लेन हो। तो इस तरह के डायोल को हम क्या बोलेंगे, ये वन टू डायोल है, देखो ये फर्स्ट पोजिशन ये सेकेंड पोजिशन, इस तरह के डायोल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायोल, ट्रांस डायोल, ठीक। अच्छा इसे हम जो है सिंपल इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आप जो है इस तरह से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सपोज करो ये आपका जो है ME लगा हुआ है, ये आपका ME लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे सिस की, तो सिस का क्या मतलब, दोनों एक ही तरफ लग जाएं। अगर एक तरफ मैं लगा देता हूं यहां ME और जो है इधर हमारा हाइड्रोजन है किसी वजह से, तो दोनों एक तरफ, ये 2D में मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 2D में, अभी इसकी 3D भी आपको बना के दिखाता हूं, तो इस तरह से हो जाए। तो ये क्या है हमारा, सिस डायाओल, ये क्या हुआ हमारा, सिस डायाओल। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, ट्रांस हो सकता है, एक OH जो है इधर की तरफ, दूसरा OH जो है ऊपर की तरफ लग जाए, और ये जो है हमारा ME और इधर हाइड्रोजन, और जो है इधर हमारा क्या, ये लग जाएगा हमारा ME और इधर हमारा जो है ये हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से भी हम बना सकते हैं। दूसरा इसे हम 3D में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3D में रिप्रेजेंट करने की मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, अगर आपने मेरे स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर देखे हो तो मैंने उसमें सारी चीज़ 3D की चार रिप्रेजेंटेशन होती है और हम कैसे कैसे उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सारी बताई हैं। तो अगर इसे मैं रिप्रेजेंट करूँ कुछ इस तरह से 3D में, मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैंने लिखा ये ME और दूसरा लिखा कि ये हाइड्रोजन जो है हमारा ये अबोव दी प्लेन और यहाँ बिलो दी प्लेन हमारा OH लगा हुआ है, दूसरा जो है इधर जो है हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ ME लगा हुआ है और ये क्या लग जाए, ये भी बिलो दी प्लेन लग जाए, तो ये क्या हुआ, सिस हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ सिस, ये OH क्या है हमारे, दोनों मतलब बिलो दी प्लेन है, तो क्या हुआ सिस। ऐसी ट्रांस में आप देख सकते हो कि ट्रांस में क्या होगा कि एक अबोव दी प्लेन दूसरा बिलो दी प्लेन लग जाए, तो ये क्या है हमारा सिस, और ट्रांस भी आप ऐसे देख सकते हो। अगर अब मैं वन टू डायाओल की बात करता हूँ तो वन टू डायाओल में जो है सिस हम कैसे बना सकते हैं, तो सिस हम बना सकते हैं, पहला तो हमारे पास है वुडवर्ड रिएक्शन, कि हम वुडवर्ड रिएक्शन के द्वारा जो है सिस डायाओल बना सकते हैं। दूसरा है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट, तो इससे भी हम जो है बना सकते हैं अपना सिस डायाओल।
दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारा ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इससे भी जो हम सिस डायोल बना सकते हैं। वहीं अगर मैं आपके सामने बात करूं किसकी, कि अगर मैं आपके सामने बात करता हूं ट्रांस डायोल की, ट्रांस डायोल की बात करता हूं, तो ट्रांस हम कैसे बना सकते हैं, हमारे पास है परवोस्ट रिएक्शन, इसके द्वारा हम बना सकते हैं। दूसरा पहले हम क्या करें कि इपॉक्सीडेशन कर लें और फिर उसका न्यूक्लियोफाइल वाटर की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करा दे, ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो इन्हें एक एक करके जानते हैं कि भाई ये है क्या। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, हमारे पास वुडवर्ड रिएक्शन। क्या है हमारे पास, वुडवर्ड रिएक्शन। तो वुडवर्ड रिएक्शन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है इसकी कुछ बातें लिख रखी है क्या, तो इसमें बता रखा है कि सिस हाइड्रोक्सीलेशन होता है। हाइड्रोक्सीलेशन क्या क्या मतलब, OH, सिस हाइड्रोक्सीलेशन, OH लग रहा है, और जो है इसे सिस वुडवर्ड सिस हाइड्रोक्सीलेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें पूरा इसे हम जो है वुडवर्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम जो है कोई भी हमारी एल्कीन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये एल्कीन, तो एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो एल्कीन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे, फिर सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, ये सिल्वर एसीटेट की जगह सिल्वर बेंजोएट का भी आप यूज कर सकते हो, मीन्स ये है कि सिल्वर का कोई भी सॉल्ट, तो इसे जो है सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट भी आप इसे जो है आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिल्वर सॉल्ट किसी भी एसिड सॉल्ट, तो सिल्वर एसिड सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, इन वेट एसिडिक एसिड। वेट का क्या मतलब है, हम वाटर यूज कर रहे हैं, वेट का क्या मतलब है, ऐसे समझ रहे हो वाटर, तो इसमें ध्यान रखना इस रिएक्शन में वाटर यूज होगा, एसिडिक एसिड, तो उससे क्या बनेगा हमारा, सिस डायोल बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैंने आपके सामने मैकेनिज्म लिख भी दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये कंपाउंड है एल्कीन, तो एल्कीन में हुआ क्या, हमने आयोडीन की रिएक्शन कराई, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन कुछ इस तरह से। अब क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो होमो है इसके लूमो में इसके इलेक्ट्रॉन गए, और इलेक्ट्रॉन गए तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इनका जीरो। अब ये बॉन्ड टूट गया तो कुछ इस तरह से जो है इनके बीच में हमारा लगेगा कि कुछ इस तरह से, देखिए ये लगेगा R, और ये जो है हमारा कार्बन, ये R, और फिर ये लगा यहाँ आयोडीन, और आयोडीन पे कैसा चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सॉरी आयोडीन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, ये आयोडीन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ ये, और ये जो है हमारा ये और ये, ठीक। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, तो देखिए तब ये बॉन्ड टूटा होगा तो एक पे क्या गया होगा, निगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन गए तभी तो ये बॉन्ड टूटा, तभी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हुआ, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से इसका जो है लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा इसके बैक एंड पी और वाइटल में कार्बन के, जिसकी वजह से आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इतना क्लियर। फिर क्या हुआ कि हमने सिल्वर एसीटेट डाला, और सिल्वर एसीटेट क्या है, ये इसे कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये वाला जो ये निगेटिव चार्ज देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक कहां होगा, इसकी बैक साइड से, इसकी बैक साइड से अटैक होगा, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से ओपन। तो देखो ये अटैक हुआ है, इसका ऑक्सीजन का अटैक हुआ, और ये जो है हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो गया, जो हमारा एजी है इसके साथ कुछ इंट्रैक्शन भी यहाँ कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आप ये ऑक्सीजन इसके देख रहे हो एसीटेट के, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे डोनेट, और ये जो आप कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड देख रहे हो टूट जाएगा, और हमारा एजी माइनस सिल्वर आयोडाइड यहाँ से निकल जाएगा, और आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन आएगी कुछ इस तरह की आएगी। बोलिए इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये तो सब समझ में आ रहा है। और इनके बीच में क्या दिखा रखा है, रेजोनेंस दिखा रखा है कि भाई ठीक है इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे क्या आया कि जिसने दिए उससे पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हो रहा है इनके बीच में जो है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। तो हमने इस चीज़ को जो हमारी रेजोनेंस हो रही है इसे कुछ इस प्रकार से जो हमने लिख दिया, क्लियर। अब देखिए हुआ क्या, फिर हमने यह वाटर दिया, इस वाटर का आपको विशेष ध्यान रखना है,
इस वाटर का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है इसका? अगर हम यहाँ वाटर नहीं देते तो हमारी रिएक्शन परबोस्ट रिएक्शन हो जाती, और अगर रिएक्शन में वाटर पड़ा हुआ है तो वो कौन सी रिएक्शन हुई? वुडवर्ड रिएक्शन हुई। तो वाटर क्या काम करेगा, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी एक ऑक्सीजन पे यहाँ रिएक्शन में मतलब करेंगे, और दूसरा जो है बॉन्ड टूट जाएगा। सॉरी, तो अब होगा क्या कि ये जो आप वाटर देख रहे हो, तो वाटर क्या काम करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस कार्बन पर और एक बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि CH3 इसकी बिना अगर रेजोनेटिंग फॉर्म के देखें तो ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और एक ऑक्सीजन कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और इसमें क्या करा हमने, वाटर का अटैक कराया और ये चला गया कुछ इस तरह से। यहाँ से फिर हमने वाटर का जो अटैक हुआ था उसमें से H प्लस जो वो है वो निकाल दिया, और यहाँ क्या लग गया, OH लग गया। जो H प्लस निकला वो हमारा वो कहाँ जाके लग गया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके लग गया। बोलिए इतनी चीज क्लियर है आपको, जितनी चीज ये सब मैंने बताई है ये चीज एकदम क्लियर है, ये समझ में आई? तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हुआ क्या यहाँ से आगे, तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर बन गई, आपको ये दिख रही होगी। अब यहाँ से होगा क्या हमारा कि जो आप ये ऑक्सीजन देख रहे हो, जो ये आप ऑक्सीजन देख रहे हो, इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर और ये बॉन्ड हमारा टूट गया कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब ये क्या बन गया था, लिविंग ग्रुप बन गया। तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये टूट गया और आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर आई कुछ इस तरह की। ठीक, अब इस तरह की स्ट्रक्चर है, फिर क्या हुआ, इसका हमने जो है बर्कअप करा दिया, और बर्कअप कराने पे ये ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरह किसी भी तरह से अटैक हो सकता है। और बर्कअप हमने कराया तो हुआ क्या, बर्कअप कराने बेसिक कंडीशन में इसका हम बर्कअप कराते हैं OH माइनस, तो माइनस इसका अटैक हुआ है, यहाँ ये गया है, यहाँ फिर से ये गया है और ये बोन टूट गया है यहाँ, तो क्या हुआ, दोनों OH जो है एक तरफ आए, सिस डायोल। देखो इस सिस डायोल क्यों बने, आप इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो कि तब अटैक हुआ तो एक हमारा अबोव दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन, एक अबोव दी प्लेन बिलो दी प्लेन, इसका मतलब ये दोनों कहाँ आएंगे, ऑन दी प्लेन। ये दोनों OH कहाँ आएंगे, ऑन दी प्लेन, ये देखिए ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन। तो ये दोनों OH कहाँ बनेंगे, ऑन दी प्लेन, मतलब हम क्या 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 कह सकते हैं कि कैसा हुआ ये हमारा सिस डायोल, कैसा डायोल बना है, सिस डायोल बना है, सिस डायोल। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो वुडवर्ड रिएक्शन का हमने रिएजेंट यूज करा था वो क्या था, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आयोडीन, कोई भी हमारा एसिड सॉल्ट CH3, यहाँ एसिटिक एसिड का हमने सिल्वर सॉल्ट लिया, और इसके साथ हमने क्या यूज करा, वाटर यूज करा है H2O, और फिर बाद में हमने बर्कअप किस में कराया था, बेसिक कंडीशन में बर्कअप कराया था। तो इस H2O का आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपका कुछ इस तरह से रिएजेंट दे रखा है तो आपको वहाँ सिस डायोल बना देना है। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है, परबोस्ट रिएक्शन लिख रखी है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसका मैकेनिज्म जो है परबोस्ट रिएक्शन का वो यहाँ तक सेम है, ये जो है आपका मैकेनिज्म इधर तक सेम है कि यहाँ जो है वाटर नहीं डालेंगे हम, यहाँ वाटर नहीं डालेंगे। अगर हम यहाँ वाटर नहीं डाल लें तो क्या होगा कि जो हमारा दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल का दूसरा मॉलिक्यूल होगा कुछ इस तरह से, ये CH3, अगर यहाँ सपोज करो वाटर नहीं है, ये है न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर की तरफ, और इधर की तरफ अटैक करेगा तो ये बोन टूट जाएगा कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा अगर वाटर नहीं डालेंगे। चलिए भाई देखते हैं कैसा होगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ तो परबोस्ट रिएक्शन की जो जो भी रिएजेंट है वो सेम है, बस हमने सिर्फ वाटर यूज नहीं करा है। रिएजेंट इसका क्या होगा परबोस्ट एसिड का, कि I2 और जो है हमारा CH3 CO- और Ag+, कुछ इस तरह से बाद में बर्कअप बेसिक कंडीशन में करा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि आपका जो है I2 इधर से देखिए, यहाँ से देखिएगा रिएक्शन, ये जो है हमारा क्या है एल्कीन है, इसमें I2 की रिएक्शन हुई, तो I2 की रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो गई। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये दूसरी तरह से लिख रखा है, उससे आप जो है बिल्कुल चिंतित मत होइए, मैंने आपको दोनों तरह से मैकेनिज्म इसका बताने के लिए ऐसा लिखवा दिया ये। अब ये देखिए ये जो है I+ सेम जैसे पिछले रिएक्शन में होता ऐसा लगा हमारा। फिर क्या हुआ कि फिर जो है यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है एसीटेट आयन हमारा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा, अगर ये अबोव दी प्लेन है तो कहाँ से होगा, ये बिलो दी प्लेन आयोडीन लगा हुआ तो कहाँ से होगा, अबोव दी प्लेन। तो देखिए ये लग गया हमारा अबोव दी प्लेन, इतना क्लियर। अब हमने इसमें चूंकि वाटर तो डाला नहीं है, वाटर नहीं डाला तो क्या होगा कि जो आप ये देख रहे हो इसका ये तो कहाँ लगा हुआ, अबोव दी प्लेन, ये आयोडीन कहाँ, बिलो दी प्लेन, अटैक होगा और ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा। तो कुछ कंडीशन आएगी आपके पास इस तरह से, सब पिछले जो रिएक्शन में हुआ था ये सेम जो है इंटरमीडिएट
हमारा जो है वुडवर्ड रिएक्शन में भी बना था। अब इसमें क्या होगा, उसमें हमने चूंकि बाटर डाल दिया था, इसमें बाटर नहीं डाला, इसमें सेम यही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है यहाँ, ये अबोव द प्लेन, तो अटैक कहाँ से होगा इसका, बिलो द प्लेन से, तो बिलो द प्लेन से अटैक हुआ, कुछ इस तरह से बन गया और ये बना। फिर हमने इसका वर्कअप करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या काम करेगा, पहले यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये बोन यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ OH, ऐसी सेम इस कंडीशन में होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, OH। तो आपने देखा प्रोवोस्ट रिएक्शन में क्या बनना है हमारा, ट्रांस डायोल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान के रखना है, अगर बाटर पड़ा है तो आपका वुडवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसमें सिस डायोल बनेगा, अगर बाटर नहीं पड़ा तो आपका क्या बनेगा, ट्रांस डायोल। तो ये कौन सी, अगर ट्रांस डायोल बनना है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, प्रोवोस्ट रिएक्शन। ये दो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं, दूसरा जो है हमारा KMnO4 और ओस्मियम ट्रेट्रा ऑक्साइड। अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो आपको जो है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 हमें यूज करना है, तो ये क्या काम करेगा, ये हमारा सिस डायावोल बनाएगा, क्या काम करेगा, सिस डायावोल बनाएगा। सिस डायावोल कैसे, अगर आपका कुछ इस तरह से कोई भी, अगर ये आपका एल्कीन है, इसमें अगर मैं KMnO4 डाल दिया तो MnO4 की स्ट्रक्चर, ये निगेटिव चार्ज, ये जो है O, इधर डबल बॉन्ड O, ये जो है इस पर निगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये रहेगा प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसमें होगा क्या, जो आप देख रहे हो इसका अटैक होगा इधर, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इसका अटैक होगा इस ऑक्सीजन पर और ये चला जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। तो इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि यहाँ हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ हमारा MN है, ये MN है, ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, कुछ इस तरह से हमारा जो है इंटरमीडिएट बनेगा। और फिर जो है ये बेसिक कंडीशन जो हमने एल्कलाइन कंडीशन दे रखी है, तो एल्कलाइन OH का अटैक यहाँ होगा और ये जो है यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी यहाँ से टूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या बनेगा आपका, सिस डायावोल, सिस डायावोल। ऐसी सेम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में भी आपका सिस डायावोल बनेगा और सेम ही दोनों की मैकेनिज्म है। अब देखिए कुछ इस तरह से है, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, KMnO4 हमने यूज करा एल्कलाइन कंडीशन में, कोल्ड इसकी जो है रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, दोनों OH हमारे कहाँ लगे, सिस पोजिशन पर, सिस डायावोल बनाए। ऐसी जो है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का हमने दे रखा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में भी क्या बनना है हमारा, सिस डायावोल ही बन रहा है। अच्छा ओस्मियम अगर टेट्राऑक्साइड की मैं बात करूँ तो आपको जो है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या मिल सकता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ आपको NMO भी मिल सकता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जो है आपको K3FeCN6 भी आपको मिल सकता है, आपको ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या मिल सकता है, आपको वाटर भी मिल सकता है, आपको ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या मिल सकता है कि कोई भी मेटल क्लोराइड, कोई भी हमारा मेटल क्लोरेट, सॉरी मेटल क्लोरेट आपको मिल सकता है, जैसे NaClO3 डाल दें, AgClO3 डाल दें, या जो हमने ये डाल रखा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपको, तो रिएक्शन एक ही होगी। अच्छा इसमें जो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी होती है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के केस में, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इतनी बात पहले आपको समझ लेनी है, क्या क्या समझ गए आप, कि अगर हमारा KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो क्या बनेगा, सिस डायोल बनेगा, वुडवर्ड रिएक्शन है कि हमारा I2 पड़ा है और सिल्वर का एसिड सॉल्ट है हमारे पास और उसमें जो है अगर बाटर पड़ा है तो होगी वुडवर्ड, अगर बाटर नहीं पड़ा तो क्या होगी, प्रोवोस्ट रिएक्शन। बोलिए इतनी चीज आपको क्लियर हुई, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे इपॉक्सीडेशन की बात करूं तो इपॉक्सीडेशन हम जनरली किसी भी जो है पर एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, ज़्यादातर हम क्या यूज करते हैं, MCPBA, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड हम यूज करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी हमारा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से हो सकता है, ये मैं अबोव द प्लेन ले लेता हूँ आर, और ये भी जो है मैंने अबोव द प्लेन ले लिया आर, और ये जो है हाइड्रोजन हमारे बिलो द प्लेन, तो इसे जो है ऐसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन और ये जो है हाइड्रोजन। अब इसमें होगा क्या, कोई भी हमारा जो है परेसिड हो सकता है, तो परेसिड की स्ट्रक्चर जो है मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और फिर इसमें क्या आएगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ आर ग्रुप लिख देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो पीएच हो सकता है और जो है मेटाक्लोरोबेंजीन हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब होगा क्या कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या मतलब कि इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका अटैक होगा इधर और इनके बीच का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो अटैक होगा तो इसमें कुछ इस तरह से हमारी कंडीशन आएगी कि ये जो है हमारा लगा हुआ है ये आर
ये लगा हुआ है हमारा आर, और ये जो है हमारे लगा हुआ है हाइड्रोजन, और ये लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो हमारा ओ और इस पर जो है इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये जो आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, देख रहे हो, यहाँ अपने पॉजिटिव चार्ज पे डोनेट कर देगा, और हमारे साथ सामने कंडीशन कुछ इस तरह की आएगी, ये हमारा आर आर और ये जो है ओ, और ये पॉजिटिव है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा, तो एच प्लस निकल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल ऑक्साइड बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो ये कुछ इस तरह से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ऑक्साइड में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, सरप्लस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन इपॉक्सीडेशन, वो जो हम सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए जो है सब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास भी जरूर इसकी आप करना, इससे जो है आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आगे को अगर मैं सिंपल आपके सामने मतलब कंडीशन रखूं, इसे ये मैकेनिज्म आप समझ गए ना, तो अगर मैं आपके सामने सिंपल कंडीशन रखूं तो आप बता दोगे कि किधर हमारा जो है इपॉक्सीडेशन होगा। तो चलिए भाई मैं आपको कुछ मैकेनिज्म कुछ जो है रिएक्शन दिखाता हूँ, तो आप बताना कि क्या होगा। अब जैसे कि आपके सामने कंडीशन है कुछ इस तरह की, कि ये लगा हुआ है हमारा CH3, ये लगा हुआ है हमारा इधर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ हमारा जो है बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये बिलो दी प्लेन जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसमें मगर MCPBA डाल दूँ, MCPBA, तो क्या आप डायरेक्टली इसका इपॉक्सीडेशन कर सकते हो, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका इपॉक्सीडेशन कर देना है, जो जहाँ है वो वहीं, जो बिलो दी प्लेन है बिलो दी प्लेन, जो अबव दी प्लेन है वो आपको सीधा अबव दी प्लेन ये रखना है। तो एक लगा दिया मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो बताइए इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम। चलिए और देखते हैं, अगर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके सामने यहाँ डबल बोंड है, और यहाँ आपके सामने जो है मिथाइल दे रखा है एमी, तो अगर आपके सामने MCPBA आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी आपका पर एसिड आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको, कि इन दोनों की जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, एक अबोव दी प्लेन, तो दूसरा इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, बिलो दी प्लेन, तो इसे आप बिलो दी, इसे भी आप अबोव दी प्लेन रख सकते हो, इसे बिलो दी प्लेन लिख सकते हो, तो उससे जो है कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए और देखिए इपॉक्सीडेशन में थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देख लीजिए, फिर जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ इनसे रिलेटेड अभी तक जो भी आए हुए हैं। तो CH3, और यहाँ हमने लगा दिया ये हाइड्रोजन, ठीक। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि MCPBA अगर मैं डाल दूँ, और जो है कोई मैं वो ले लेता हूँ सोलमेंट की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर मैं ये डाला, तो आप बता सकते हो अब किधर लगेगा हमारा जो इपॉक्सीडेशन, किधर होगा इपॉक्सीडेशन, किधर होगा, अगर ये मैं इधर लगाता हूँ, अब बताइए इपॉक्सीडेशन किधर होगा, कि मतलब ये जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी, अब ऑफ दी प्लेन बनेगी या ब्लो दी प्लेन। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि हमेशा आपको चेयर फॉर्म बना कर देखनी है, कभी भी आपको जो है डेकालीन टाइप या जो है साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर आए, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसकी चेयर फॉर्म बना लेनी है। डबल बोन कहाँ है, इधर। अब आप देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ उसका, कि अगर कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये हमारा डबल बोंड है, अगर इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल का कोई भी जो है स्मॉल ग्रुप का अटैक होगा, तो वो कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर की तरफ से होगा, ऊपर की तरफ से होगा। बट अगर यहाँ हमारा कोई भी ये यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हमारा ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो मिथाइल इस पोजीशन पर लगा हुआ है, या जो है इस पोजीशन पर लगा हुआ है, तो तब कोई भी चीज़ अटैक करेगी, कोई भी चीज़ अटैक करे तब, चाहे स्मॉल हो या बल्कि, वो हमेशा नीचे से अटैक करेगी, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए इसके जो है 3 और 5 पोजीशन पर जो ये ग्रुप है, इनके रिपल्सन से बचने के लिए, 1,3-dipole इंट्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा हो रहा है। तो इस वाले केस में कहाँ से अटैक होगा, नीचे की तरफ से अटैक होगा, और नीचे की तरफ से इपॉक्साइड रिंग का अटैक होगा, तो आपका जो है किधर बनेगी इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड रिंग आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ बिलो दी प्लेन, यहाँ बनेगी आपकी बिलो दी प्लेन, इतना CH3, इतना क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपके सामने दो और लिख रखे हैं, इसमें बताइए आप कहाँ, अब देखिए इसमें पहले एक चीज़ ये वाला बता दीजिए, चलो फिर आगे चलेंगे। इसमें अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊँ, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से मेरा क्या मतलब है, पहले समझ लीजिए थोड़ा, कि सपोज करो हमारे पास ये था कि ये अबोव दी प्लेन मिथाइल था, और जो है बिलो दी प्लेन आपका जो है वो हाइड्रोजन था, अबोव दी प्लेन आपका जो है वो मिथाइल था,
लोदी प्लेन आपका हाइड्रोजन था। अगर मैं इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल देता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो आप देख रहे हो दोनों एक ही प्लेन में है, इसके अपोजिट साइड से यहाँ अटैक करेगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ऑक्साइड रिंग ओपनिंग बोलते हैं इसे। इसमें भी दो केस होते हैं कि अगर एसिड की प्रेजेंस में अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करेगा, और जो है अगर न्यूट्रल कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करेगा। तो ये थोड़ी बातें मैंने आपको रिविजन के तौर पर बता दी। फिलहाल जो है आप ये देखिए कि इसका जो अटैक होगा वो इसकी बैक साइड में होगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ठीक। और रिंग ओपनिंग होगी तो ये एम ई हमारा यहाँ लग गया, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो सपोज करो एक ओ एच यहाँ लगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल अगर मैं वाटर ले लूँ तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी हमारा ओ एच लगेगा, और देखिए क्या बन गया, ये क्या आपके सामने बन के आया, तो आपके सामने कुछ जो है ये क्या बन के आया, ट्रांस डायाओल। और यही चीज़ मैं आपको इतनी देर से जो है बताना चाहता था कि इपॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप जो है वाटर से वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल लेकर रिएक्शन करा देते हो तो आपका ट्रांस डायाओल बनेगा। तो क्या बना है, ट्रांस डायाओल। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। सपोज करो ये है तो इसमें जो है आप बता सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो देखिए कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इसकी चेयर फॉर्म बना देनी है। तो चेयर फॉर्म बनानी है, और जो ये है आपका मिथाइल, कोई भी ग्रुप जो सबसे बल्कि ग्रुप आपका लगा हो, जैसे यहाँ क्या लगा हुआ मिथाइल, वो आपको एक्जियल पोजीशन पर रखना है। तो एक्जियल पोजीशन पर हमने ये रख दिया, ये क्या है हमारा मिथाइल। अब जो है इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर जिधर इपॉक्साइड रिंग किधर है, जिधर हमारा एम मिथाइल, मतलब कहाँ है, ऊपर की तरफ है इपॉक्साइड रिंग, कहाँ है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है। अब आप एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वो क्या कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका जो अटैक आपको कराना है हमेशा जो आपको एक्जियल पोजीशन से कराना है। एक्जियल पोजीशन से क्या मतलब, देखिएगा अगर मैं बात करूँ ये इधर की तरफ कौन सी पोजीशन है, एक्जियल, और यहाँ अगर कोई अटैक कर रहा है तो कहाँ है, इक्वेटोरियल। ऐसे यहाँ कोई अटैक कर रहा है वो क्या है, इक्वेटोरियल, और इधर से अटैक कर रहा है वो है एक्जियल। तो आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसा करवाना है, ध्यान रखना एक्जियल अटैक। तो एक्जियल अटैक कौन सा होगा, अब चूंकि अगर सपोज करो यहाँ से ये हो, अगर इधर जो है ये अटैक हो जाए तो इधर कौन सा अटैक होगा। अब बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूँ भाई तो देखिएगा इसमें इधर ये वाली पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल, तो ये अटैक कौन सा होगा, इक्वेटोरियल। और मैंने बताया इक्वेटोरियल अटैक कभी भी नहीं होगा, तो इक्वेटोरियल अटैक नहीं होगा तो एक्जियल होगा। एक्जियल कहाँ हो सकता है, यहाँ, तो एक्जियल अटैक होगा, इसका अटैक होगा इधर, और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इसमें जो है रिंग ओपनिंग कुछ इस तरह से हो रही, तो आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि जिधर जो है हमारा एम ई लगा हुआ है, ये सपोज करो एम ई लगा हुआ है, उधर ही हमारा क्या लगेगा, उधर ही हमारा जो है ओ एच लगेगा, और बिलो दी प्लेन आपका न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये आप खुद से ट्राई करना, ये जो है आपके लिए एच डब्ल्यू है, ये आप खुद से ट्राई करना। चलिए भाई हम जो है आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन एक बार वो देख लीजिए। अगर इस वाली कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आपका आ रहा है, इस वाली कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी स्पेसीज अगर यहाँ अटैक कर रही है और यहाँ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन, तो कुछ भी चीज़ अटैक करेगी कहाँ से, ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ से मेरे कहने से क्या क्या मतलब, सपोज करो KMnO4 से रिएक्शन कराऊँ, KMnO4, तो कहाँ से अटैक होगा, इनका ऊपर की तरफ से अटैक होगा, मतलब जो हमारा डायाओल बनेंगे दोनों वो कहाँ बनेंगे, अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो कहाँ बनेंगे दोनों, ऊपर की तरफ, मतलब कहाँ, एक्सो। ये कौन सा अटैक है, एक्सो अटैक होगा। इस कंडीशन में कैसा अटैक होगा, एक्सो अटैक। बट अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा हो, जैसे मैंने मिथाइल लगा दिया, और यहाँ मैं किसी चीज़ का भी जो है अटैक कराता हूँ, किसी भी जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है डबल बॉन्ड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अटैक होगा वो हमेशा कैसा होगा, एंडो अटैक। कैसा होगा, एंडो अटैक। और एंडो अटैक होने पर जो है आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी कि यहाँ क्या बनेंगे, OH दोनों नीचे की तरफ लगेंगे। ये समझने वाली बात थी। दूसरी ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है इस वाले केस में क्या होगा। अच्छा ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है, अगर MCPBA यहाँ है तो क्या होगा, दोनों जो है एक दूसरे के एक अबोव दी प्लेन आएगा, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा हमारा जो है वो बिलो दी प्लेन आएगा, ठीक। इसमें किसी को बताइए कुछ प्रॉब्लम, तो चलिए भैया आगे चलते हैं। अब क्या है, ये वाला भी कर लोगे ना, इसमें भी किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी आप जो है कर सकते हो। चलिए भाई अब देखिएगा, अगर किसी वजह से, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और छोटी सी, यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आपका OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और ये आपका कुछ इस तरह से, अगर MCPBA डाल दिया, MCPBA
बीए, तो तब जो है मैकेनिज्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो जिधर हमारा जो है OH लगा हुआ रहेगा उधर ही हमारी पोक्साइड रिंग बनती है, उधर ही हमारी पोक्साइड रिंग बनती है। ये भी मैं अलग से कराऊंगा, अगर आप जो है इसे रेगुलर देखोगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। वैसी सेम अगर इसकी रिएक्शन में MCPBA से तो कराऊं, बट जो है शुरू में मैं क्या डाल दूं, TBDMS, अगर मैंने ये डाल दिया, अगर मैंने ये रिएजेंट डाल दिया तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो है कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहती है, ये हमारा Cl। इस केस में क्या होगा, ये जो है HCl यहाँ से निकल जाएगा, HCl, और HCl निकल जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो है ये बिलो दी प्लेन और ये जो है हमारा SI और इसके साथ जो है ये कुछ ऐसे और कुछ जो है ऐसा लग जाएगा। अगर इस केस में मैं MCPBA का रिएक्शन करा रहा हूँ तो ध्यान रखना अब की बार जो है ये अबोव दी प्लेन लगेगा, मतलब ये और जो हमारा MCPBA वो जो है मतलब जो ये आपस में एंटी होंगे, एंटी क्यों होंगे क्योंकि ये क्या है बल्की ग्रुप हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना यहाँ खत्म हो जाएगी। तो बताइए इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। चलिए तो भाई अब हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, देखिए इसमें बोला क्या गया है, द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, ये जो आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा जो है वो मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह की रिएक्शन आपको दिख रही है, ये इसमें जो है बटर डाल रखा है और बटर डाल रखा है तो कौन सी रिएक्शन है ये बताइए, वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन में क्या बनता है अगर आपको ध्यान हो तो सिस डायाओल, और बाद में क्या करवा रखा है ये करा रखा है वर्कअप, ये करा रखा है हमने वर्कअप। अब देखिएगा इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, मतलब कि ऐसी कभी भी आपको स्ट्रक्चर हो तो आपको क्या बना लेना है तुरंत चेयर फॉर्म उसी स्ट्रक्चर की बना लेनी है, डेकलिन टाइप स्ट्रक्चर है ये, और ये जो हमारे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा ऊपर की तरफ मिथाइल नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इतनी बात एकदम क्लियर। अब इसमें हो क्या रहा है, आयोडीन की रिएक्शन हुई है I2। अब I2 की जो रिएक्शन होगी मुझे बताइए वो ऊपर की तरफ से आकर अटैक करेगा या नीचे की तरफ से अटैक करेगा, I2 कहाँ लगेगा इसमें जो आयोडीन, इसका आयोडीनेशन होगा वो आयोडीन कहाँ आके लगेगा। तो देखिए मैंने बताया था जब कभी भी यहाँ आपका थर्ड और फिफ्थ पोजिशन पर कोई ग्रुप लगा हो तो उसमें जो है क्या होगा रिएक्शन कि कुछ इस तरह से होगा कि अटैक जो होगा आपका वो नीचे की तरफ से होगा, मतलब इक्वेटोरियल आपका अटैक होगा। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी ये आयोडीन पॉजिटिव चार्ज, ये जो इंटरमीडिएट बनता था ये ब्लो दी प्लेन बनाया है मैंने, ये क्या है ब्लो दी प्लेन हमारा बना हुआ है, ये क्या है हाइड्रोजन। अब जो हम न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो हम डाल रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा इसमें कि ओ माइनस, और इसे मैं पूरा एसीटेट को ऐसा ओपन करके लिख देता हूँ, ये यही तो न्यूक्लियोफाइल है हमारा। अब बताइए इसका अटैक कहाँ होगा, तो मैंने क्या बताई थी अटैक जब भी आपको कराना है वो एक्सियल कराना है, अगर इधर से अटैक करता है तो कहाँ है ये एक्सियल अटैक हो रहा है, अगर नीचे से अटैक करता है तो कैसा नीचे से क्यों होगा, क्योंकि क्या है ब्लो दी प्लेन आपका नीचे की तरफ ही बना हुआ है, नीचे की तरफ है तो मतलब अटैक होने का यहाँ कोई मतलब नहीं। अच्छा एक चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, अगर आपका कुछ इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपका कुछ भी चीज़ नीचे की तरफ ऐसे बनी हुई है तो अटैक आपको ऊपर से करा देना है, अगर आपका जो है ऐसे ही क्योंकि ये नीचे की तरफ तो क्या होता है नीचे की तरफ यहाँ एक्सियल होता है इस वजह से ऐसा है, और अगर आपका जो है ऐसी सेम कोई भी पोक्साइड रिंग आपकी अगर ऊपर की तरफ बनी हुई है अबोव दी प्लेन तो आपको अटैक नीचे से कराना है, आप इतना ध्यान रख सकते क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ क्या है ऊपर की तरफ जो है हमारा एक्सियल पोजीशन है जो कि ये भी ऊपर की तरफ है तो इससे जो है थोड़ा ओवरलैप हो रही है घिर रही है तो इसमें क्या है अटैक कहाँ से होगा नीचे से, इसका मतलब ये कहाँ है नीचे तो अटैक भी कहाँ से होगा इसका ऊपर की तरफ से, ये भी आप शॉर्ट ट्रिक जो है ध्यान रख सकते हो। अब इसका अगर अटैक ऊपर की तरफ से होगा तो आपके सामने क्या कंडीशन आएगी कि जो है ये हमारा ऊपर की तरफ लगा ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और जो है यहाँ लगा हुआ है ME, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ क्या है आयोडीन। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो या नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो क्योंकि आपको पता है जिधर जो है एक बार ये लग गया तो दोनों जो है हमारे OH हमारे सामने प्रोडक्ट भी कुछ इस तरह का आएगा, किस तरह का प्रोडक्ट आएगा
कि ये जो है ओ एच ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ ओ एच ऊपर की तरफ बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐसा लगेगा, यहाँ एम ई ऐसा लगेगा। मतलब दोनों ओ एच ओ एच कहाँ लगेंगे, जिधर हमारा मिथाइल लगा हुआ, दोनों अबोव्ड द प्लेन वाले आपको आंसर लगाना है। अब इसका अगर आपको मैकेनिज्म देखना हो तो अब क्या होगा, देखिए ये है, ये जो है लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ये चला जाएगा ऐसे। तो आपके सामने कंडीशन क्या आएगी, जैसा मैंने शुरू में आपको मैकेनिज्म दिखाया था सेम सब कुछ वैसा ही चल रहा है अभी, एम ई हाइड्रोजन और जो है फिर क्या हुआ है यहाँ कि हमारा ऑक्सीजन ये ऊपर की तरफ ही है, थोड़ा सही करने के लिए मैंने लिखा, और इससे ये लगा हुआ कार्बन से और इनके बीच में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ये लग गया इधर। अब क्या होगा इसमें, अगर मैं बाटर डाल दूँ तो बाटर डालने पर इसका अटैक होगा यहाँ, ये टूट जाएगा यहाँ, और नीचे की तरफ हाइड्रोजन है इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें इधर की तरफ हाइड्रोजन है, ये थोड़ी स्ट्रक्चर बन गई, ये ऐसा हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो है बाटर का अटैक होगा और फिर इसका जो है हम बर्कअप करा देंगे, तो ओ एच कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ, और दूसरा ओ एच यहाँ लगेगा और एक ओ एच कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो मतलब क्या बन जाएगा आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 4 मार्क्स का, तो ऐसा क्वेश्चन आप जो है कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इजी, बताओ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, द की रिएजेंट इन वुडवर्ड सिस डाइहाइड्रोक्सीलेशन इज, सिस डाइहाइड्रोक्सीलेशन वुडवर्ड, तो बाटर वाला होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ये किसका है आपका, इसमें ट्रांस बनता है परबोस्ट रिएक्शन, KMnO4 में सिस बनता है, इसमें भी क्या बनता है, सिस बनता है, बट वुडवर्ड का बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको, चलिए भाई। तो अब जो है ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये रहा, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना है सभी को। तो इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपको MCPBA दे रखा है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। देखो ये कहाँ लगा हुआ है, बिलो दी प्लेन, मैंने बताया था अगर ऐसा हो तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हैनवेस्ट इफेक्ट इसे बोलते हैं। तो आपका जो है MCPBA लगने पर सेम जिधर की तरफ OH लगा हुआ है उधर की तरफ ही हमारा जो है इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, बिलो दी प्लेन, बताइए इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब फिर क्या रखा है, NaN3 क्या होता है, Na+N3-, N3- की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये प्लस और ये जो है हमारा निगेटिव चार्ज। अब इसमें होगा क्या, तो इसका जो है अब कहाँ अटैक होगा, इधर अटैक कराऊँ या इधर अटैक कराऊँ, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होनी है, तो कैसा पता चलेगा मुझे, तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, चेयर फॉर्म बना लेनी है। मैंने बताया था ना आपको चेयर फॉर्म आपको बनानी है, तो चेयर फॉर्म बनानी है, जो बल्की ग्रुप है, देखिए ये बल्की ग्रुप है, OH बल्की ग्रुप नहीं है, उसे जो है आपको कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पर रखना है। तो इक्वेटोरियल पर सपोज करो मैंने ये रख दिया, ये जो है ये रख दिया, इसमें किसी को दिक्कत। अब जिधर की तरफ मैंने ये रखा है तो एक कार्बन छोड़ के फिर जो है यहाँ क्या बना हुआ है, एक कार्बन छोड़ के हमारा इपोक्साइड रिंग लगी हुई उधर की तरफ नीचे की तरफ, तो इपोक्साइड रिंग नीचे की तरफ लगी हुई है, क्लियर। अब देखिए इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा क्या है कि इसका अगले वाले कार्बन पे, इधर वाले कार्बन पे उधर की तरफ ही हमारा OH लगा, उधर की तरफ ही हमने OH लगा दिया। अब हमने जो न्यूक्लियोफाइल है N-N+N-, कि जो हमारा निगेटिव चार्ज है, इसका अटैक कहाँ से होगा, देखिए नीचे की तरफ है तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से होगा। ऊपर भी दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए, या तो ए से हो जाए या बी से हो जाए। अगर ए से होगा तो कौन सी अटैक हो रहा है, इक्वेटोरियल अटैक, जो होगा नहीं तो कहाँ होगा, एक्सियल अटैक होगा। तो अटैक कहाँ से होगा, बी की तरफ से होगा। तो बी की तरफ से अगर मैं अटैक कराता हूँ तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी कि यहाँ आपका लग जाएगा ओ एच, कहाँ जाएगा ये आपका नीचे की तरफ, ये ओ एच कहाँ जाएगा आपका नीचे, ये ओ एच नहीं ओ माइनस आएगा सॉरी, तो ये जो है क्या, ये ओ निगेटिव, अभी रिंग ओपनिंग करवाइए ना ये, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका एन, और जो है ये जो है एन बना लगा, और यहाँ डबल बोन एन, और ये डबल बोन एन माइनस, इतना क्लियर है। अब जो आप ये निगेटिव चार्ज देख रहे हो, ये जो है PPH3, तो इसके जो हमारा ये इसके बैकेंट और वाइटल में जो है इसके एंटी बॉन्डिंग में इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ इस ये रिएक्शन क्यों करता है, कि तब भी हम PPH3 डालते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक मित्सुनाबो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो मित्सुनाबो रिएक्शन में भी हम PPH3 डालते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ भी हम ये की काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को अच्छा क्या कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप बना रहे हैं। तो क्या लग गया O, और इसके साथ लग गया PPH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। हम इसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए ऑक्सीजन को, अब जो है ये तो ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है, ये वाला भी ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ हमारा नाइट्रोजन, और
नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड एन और ये डबल बॉन्ड एन, सब पॉजिटिव निगेटिव, ये गया इधर ये गया इधर, इस पे कैसा चार्ज आया नाइट्रोजन पे, निगेटिव चार्ज, जो ये निगेटिव चार्ज है इसका अटैक होगा इधर और ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी तो वो कुछ इस तरह से आएगी कि ये और जो है इधर लग गया हमारा एन और लग गया ये, और जो है फिर क्या लगा हमारा एन लगा हुआ है और ये ट्रिपल बॉन्ड प्लस और ये ठीक है, फिर ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ से, N2- हो जाएगा, तो क्या लग गया हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा OH। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, कि जिधर हमारे ये दोनों लगे हुए हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा NH लगा हुआ है, तो जिधर दोनों लगे हुए हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन आंसर होगा बी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और ज़्यादा भारी जो इसमें कुछ बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है NET जून 2017 का, बड़ा ईजी क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या करना है कि आपको क्या बताना है इसमें, कि देखिए सबसे पहले द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट ए एंड बी टू द इफेक्ट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो अब हमें ए बताना है और बी बताना है। देखिए ए वाले में क्या बनना है, सिस डायाओल, क्या बनना है सिस डायाओल, ठीक है, इस वाले में भी क्या बनना है सिस डायाओल, सिस डायाओल बनना है, तो ओसियम टेट्राऑक्साइड में सिस डायाओल बनता है और I2PH ये क्या है, ये वाली रिएक्शन होगी प्रवोस्ट रिएक्शन, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा KMnO4 में बनता है सिस, और दूसरा क्या है आपकी वुडवर्ड, सॉरी ये प्रवोस्ट रिएक्शन होगी ना ऊपर वाली, और प्रवोस्ट रिएक्शन में क्या होता है ट्रांस बनता है, तो ट्रांस बनता है पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या है सिस बन रहे हैं। अब दूसरी क्यों है, ये वुडवर्ड है ये KMnO4, मतलब ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अगला देखिए, पहले तो ये दे रखा है ये क्या है हमारा, कि ये जो है हमारी प्रवोस्ट रिएक्शन का रिएजेंट है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है ना, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये प्रवोस्ट रिएक्शन का रिएजेंट है क्योंकि इसमें क्या है वाटर नहीं है, और वाटर नहीं है तो प्रवोस्ट रिएक्शन में कैसा बनता है ट्रांस डायोल बनता है, तो ये भी काट दीजिए। अब लास्ट वाला आ जाइए MCPBA, भैया MCPBA वाले में कैसा डायोल बनता है, अगर आपको ध्यान हो MCPBA वाले में कैसा डायोल बनता है ट्रांस डायोल, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया आपका, ये सीधा सीधा आंसर ये हो गया। अभी देखो ये है इलिमिनेशन मेथड, इससे आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए, इलिमिनेशन मेथड कितना इजी था, आपने इलिमिनेट कर लिया अगर आपको सारी चीज पता है तो। अब देखिए इसे हम कर कैसे सकते हैं, तो अब कुछ इस तरह से है हमारा, ये है और इधर हमारा डबल बॉन्ड है, अगर सीधा मैं KMnO4 से रिएक्शन करा दूं, KMnO4, तो इसमें देखो ये क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सीधा अटैक KMnO4 का कहाँ होगा, ऊपर की तरफ से होगा एक्सोट है, और सीधा जो है हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, कि भाई ये हमारे पास दो OH ऊपर की तरफ लग गए, तो ए क्या होगा हमारा, ए होगा KMnO4 हो सकता है या ओसमियम टेट्रा ऑक्साइड, या तो एल्कली KMnO4 हो सकता है या ओसमियम टेट्रा ऑक्साइड, जो भी है हम देख लेंगे आंसर से। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, कि इसे जो है वुडवर्ड दो, वुडवर्ड रिएक्शन करो, तो वुडवर्ड में सबसे पहले I2, तो I2 की जो रिएक्शन होगी तो वो देखना भाई I2 की रिएक्शन कहाँ से होगी, किसी भी चीज़ की रिएक्शन कहाँ से होगी ऊपर से होगी, तो ये लगा आयोडीन ये पॉजिटिव चार्ज। सेम इसमें मैंने अब क्या काम करा, न्यूक्लियोफाइल अपना डाला, न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास कुछ इस तरह से न्यूक्लियोफाइल है ये, और इसका अटैक अब कहाँ होगा, चूंकि ये ऊपर की तरफ है तो अटैक कहाँ होगा नीचे की तरफ, और अटैक नीचे की तरफ होगा तो आपके सामने कंडीशन, अब आपको धीरे धीरे ध्यान भी आने लगा होगा कि क्या चल रहा है, ये यहाँ आयोडीन हो गया और नीचे की तरफ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O इधर लिखो, और जो है इधर क्या लिख दूँ CH3 लिख दूँ CH3, अब ये कहाँ होगा, इसका अटैक नीचे से होगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो OH भी हमारे कहाँ बनेंगे, अगर यहाँ हाइड्रोजन OH भी हमारे कहाँ बनेंगे नीचे की तरफ, OH भी कहाँ बनेंगे हमारे नीचे।